अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आज वाईएसआर पार्टी के शर्मिला साहिबा के पदयात्रा के छठवें दिन के मौके पर उन्होंने महेश्वरम जोन के इलाकों के एरिए और गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया। कार्तिक सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में ऑल इंडिया पान एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस मीट रखी गई, जिसमें कहा कि सारे पान शॉप गुटखा नहीं बेच रहे, कुछ पान शॉप है जो गुटखा बेच रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साहब, पिछले 7 दिनों से लगे वालों के साथ कुछ ज़्यादा भी चल रही है, कुछ यकीनात चल रहा है, बल्कि मालूम है इस पर आपने प्रेस मीट बिठाई, इसका वजह क्या है? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया के माध्यम से और खुसूसी हमारे क्राइम टुडे न्यूज़ के रिपोर्टर से भी कि कुछ ये 15 दिन 10 दिन से कुछ गांजे के कारोबार कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ हमारे पान वाले नहीं, कुछ दूसरे लोग। तो वो कुछ पेपर आता है, मतलब उसमें कुछ लपट के करके खाते हैं उसमें, तो कुछ पान वाले के पास कुछ पेपर वाला निकला। उसी सिलसिले में पुलिस ये चाहती है कि भाई पान वाले भी गांजा बेच रहे हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, किसी भी पान वाला तेलंगाना में हो या पूरे हिंदुस्तान में हों, दो वो नहीं बेचते। हम लोगों का कारोबार है पान में डाल के इस्तेमाल करने वाला जर्दा, पान मसाले, सिगरेट, वो भी इंडियन सिगरेट, नो बाहर का सिगरेट, यानी चाइना वगैरह नहीं बेचते हम लोग, ना बेचते नहीं और बेचने भी नहीं देंगे। क्योंकि कल भी गुज़िश्ता एक दिन पहले हमारे ACP साहब वेणुगोपाल जी ने हमको बुलाया है, तमाम खैराबाद, सैफाबाद, बशीरबाग, ये तमाम एरिए के पान वाले हम गए थे उनके पास, उनको हमने कंसिडर किया, सर को समझाया, तो उन्होंने एक वार्निंग दिया है कि भाई ऐसे काम नहीं करना। अच्छा, पेपर के ढूंढने की चक्कर में कुछ किसी की पान वाले के पास गुटखा निकला होगा, तमाम लोगों केसेस बुक कर दिए और एक हफ्ते ज़्यादा कई लोगों पे केसेस बुक करे और वो बेचारे पान वाले इतने मुश्किल में पड़ गए हैं कि दुकानें बंद करके पुलिस स्टेशन में फिरना पड़ रहा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से और साथ में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि भाई हमको वार्निंग दिए हैं, हम अगर जो काम करना चाहते थे वो भी काम नहीं करते, ना करेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि पान वाला जो जर्दा लूज वाला टुबाको है उसको कंसीडर किया जाए, वो GO में बदलाव किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूं, गुज़िश्ता 3-4 महीने से इतना सुकून था, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब और जितने MLA सवारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के MLA भी हमारे साथ में गए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि पान में डालने वाला जर्दा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, हमसे कोई गांजे वगैरह से हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है सर। और तेलंगाना में 1,25,000 पान की दुकानें हैं, अगर एक दुकान GHMC एनफोर्समेंट टीम जो हमेशा गैरकानूनी और बिना इजाज़त के फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर चालान आयात करते हुए उन्हें फाड़ दिया जाता है, पर हैदराबाद में हर सिग्नल और एरियो में TRS के बड़े बड़े बैनर और फ्लैग लगाए जा रहे हैं, उसे क्यों नहीं कोई हाथ लगाता है? हमारा सवाल एनफोर्समेंट टीम से यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में एक मेडिकल शॉप पर एक शख्स दवाई खरीदने के बहाने वहां आता है
और बातचीत करते करते मेडिकल शॉप्स के ओनर के साथ मारपीट करता है, जिसे मेडिकल शॉप के ओनर की बहुत बुरी तरीके से उसे जख्मी करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रवंत रेड्डी ने KCR से अपनी दौलत पर वाइट पेपर का मुतालबा किया। सरकार ने कुछ कम 3 करोड़ एकड़ के जगह पूरा दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी था, आज उनके परिवार उनके वारिस कहाँ है, कैसे जी रहा है किसी को पता भी नहीं है, मगर KCR और KCR के वारिस कितना लैविश लाइफ जी रहे आप आंखों से देख रहे हैं, अपने आंखों से सामने जनवाड़ में एक महल बना लिए, गजवेल में उन महल बना लिए, कविता जी बंजार हिल्स में अच्छा बंगला बना लिए, ये 7 साल में इतने कहाँ से आ गए, टीवी आ गए, पेपर आ गए, हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का बंगला आ गए, बंजार हिल्स में पार्टी के बंगला आ गए, दिल्ली में भी मोदी जी एक बंगला इनको नजराने में दे दिए, इतने सारे पैसे कहाँ से कमाया, ये कमाई कहाँ से आए, उसके लिए वाइट पेपर रिलीज करो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं भाई। अब जब तक 2001 से 2014 तक आप कुछाई के लिए पैसे नहीं था, रबर चप्पल खरीदने के लिए भी आप बहुत तकलीफ उठाते थे, मगर ये 7 साल में आप मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों करोड़ों रुपए कहाँ से आए, वो ट्रिक क्या है, वो कमाने के लिए इनको कोई इंद्रजाल तो नहीं किया होगा ना। तो इसीलिए हम लोग KCR साहब को ये सवाल उठाना चाह रहे, ये 20 साल के जो जर्नी है इसमें आपको किसने किसने कितने कितने पैसे दिए। ट्रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नार्कोई ड्रग्स के लिए एक स्पेशल ड्राइव की गई, जहां पर 102 टू व्हीलर्स बाइक्स और 10 रॉडी शीटर को पकड़ा गया, जिसमें साउथ जोन DCP श्री गजराव भोपाल IPS भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। हम साउथ जोन में पहले जब ये ड्राइव शुरू हुआ था उससे पहले कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे ये ड्रग्स स्पेशली गांजा का इस्तेमाल होता था, छोटी सी कारोबार भी होता चलता था रिटेल क्वांटिटी में, ख़ास करके जो नेगलेक्टेड प्लेसेस है MMTS स्टेशंस और फ्लाईओवर्स के नीचे जो इलाका है वहाँ पे थोड़ी आइसोलेटेड प्लेसेस है, वहाँ पे पहले कुछ उसका इस्तेमाल होने की खबर मिली और हम पिछले 2 महीने से इन पर कॉन्सेंट्रेट करें और ऐसी पूरी जगह को ऐसी इलाका को हम पूरी गांजा इस्तेमाल करने वालों से पूरे यहां से कंट्रोल भी किए, ख़ास करके MMTS स्टेशंस, क्योंकि जब से कोविड आया रिसेंटली 1-2 महीने पहले तक MMTS ट्रेनें नहीं चले, इसलिए पूरी आइसोलेटेड हो गई, यहाँ पे कुछ लोग आके इतने करते थे, इसीलिए हम उस पर पिछले 2 महीने से पूरी इस पर नज़र रखे और यहाँ पे इस कंजम्पशन को पूरी तरह से कंट्रोल भी किए। सर आज के स्पेशल ड्राइव में कुछ गांजा या नहीं मिला? आज पूरे चेक किए यहाँ पे, आज यहाँ पे गांजा नहीं मिला। सर टोटल इसके अलावा हम व्हीकल चेकिंग भी किए, जिसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसमें 102 व्हीकल्स इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसको पकड़े और 10 रॉडी शीटर्स को भी जो आसपास के इलाके में रहने वाले उनको भी आज काउंसिल किया। TRS पार्टी के प्रेसिडेंट फिर से CM KCR साहब चुने गए। इस मौके पर हैदराबाद के तमाम एरिया में TRS के झंडे और बैनर देखने को नजर आए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। మరి ఇప్పుడు అమరవీర సిబ్బందికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు సారు జోహార్।
తెలంగాణ మర వీరులకు జోహార్ తెలంగాణ మర వీరులకు జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం జై తెలంగాణ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में गरीब आवाम परेशान। केसीआर के झूठे वादे जैसे डबल बेडरूम का सपना देकर लोगों को किया बेघर। फुलबाग के पास एक साल से सैलाब में मुतासिर लोग जिनके घर तबाह हो गए वो क्वार्टर में आकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अफसोस आज MRO बल्लागुड़ा शेख फरीन और चननगुटा पुलिस ने आकर तमाम क्वार्टर को खाली करवाया। हाउसेस हाउसिंग स्कीम के अंदर न्यू फ्लैट्स जो बनाए गए उसमें थोड़े इलीगल एंक्रोचर्स ऑलमोस्ट 60-65 इलीगल एंक्रोचर्स है ऐसा हमको इंटीमेशन आया, और यही हाउसिंग ऑलरेडी इसके बारे में एक कंप्लेंट भी दे चुके हैं अपने CA साहब चंद्रायन गुट्टा और यही हाउसिंग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आज हम लोग तीनों डिपार्टमेंट्स के तरफ से आके जितने भी इलीगल एंक्रोचर्स है इनको इलीगल ऑक्यूपेंट्स तो ऑलरेडी 2-3 बार हम लोग इनको इंटीमेशन देके खाली करने के लिए भी बताया गया, लेकिन अब तक ये लोग खाली नहीं करे और ये लास्ट मौका एक हम लोग दे रहे हैं और कल शाम तक। और थोड़े लोग ऐसे लोग भी है जो किराएदार है और जो मकानदार है वो इलीगली ये लोगों को किराए पर रखे सो है, तो उनके नाम पे भी हम लोग आज यही हाउसिंग के जरिए कंप्लेंट दर्ज करा रहे और उन वो लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और ये जितने भी अब ऑक्यूपेंट्स है इलीगल ऑक्यूपेंट्स वो लोगों को कल शाम तक मौका दिया गया खाली करने के लिए। इसी तरह सर्वे नंबर 128 ताल्लकुंटा उधर भी जो 48 वैकेंट फ्लैट्स थे वो मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक भी वो खाली थे, वो भी इलीगली ऑक्यूपाई कर लिए गए, उस पर भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं। उनको ऑलरेडी 2-3 बार इंटीमेशन भी दे चुके हैं और वो भी कल शाम तक हम लोग एविक्शन करा देंगे। डबीरपुरा ब्रिज की हालत हुई ख़राब, GHMC की लापरवाही से हुआ एक नौजवान जख्मी, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप क्या से ले रहे हैं? बोलो भाई भाई इधर से आ रहा हूँ मैं, ये रोड का पूरा है पूरी रोड खोद के ला उधर कचरा रखे पूरी मट्टी उधर डाले लोग वहाँ से ऑटो आ रहा मैं गाड़ी इधर से ले रहा हूँ तो क्या वहाँ दिप बोल के बोला साइड में भी नहीं रख रहे कुछ बोर्ड तो लगाना उधर यहाँ जो यहाँ पे सामने दो यहाँ से मैं जा रहा हूँ गिल्ले थे जबिलपुरा ब्रिज है भाई कुछ बोर्ड तो लगाना पैक तो करना काम चल रहा बोल के इंसान देख के साइड से चल जाते कुछ भी नहीं खुला काम कर रहे इधर पूरा यहाँ लगाया घुटने छिले गए यहाँ पैरों पे पड़े इधर हाथ अरे भाई मैं चंडलगढ़ पर रहता हूँ मैं उधर से आ रहा हूँ मैं अर्जेंट में हॉस्पिटल को जाना है मेरे घर वाले हॉस्पिटल में बोल के हॉस्पिटल को जा रहा हूँ भाई देखे तो यहाँ पे लाश बीच में डाल के रखे हुए मेरे को एक्शन होना था अभी रोड का ये सर कैसा भी एक्शन होना जरिए परसों में वहाँ पे भी ऐसी चुआ वहाँ पे डाले वोट यहाँ पे वोट नहीं डाले अच्छे अच्छे रोडा खोद के खराब कर दे रहे लोगों का नुकसान कर दे रही रोड टूटी हुई अरे अच्छी रोड थी भाई आज खोद रहे लोग हर रोज नया काम कर रहे। प्राइड इंडिया वेंचर की जमीन पर शमशान घाट की समधियान आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Thank you.
राजेंद्र नगर मुगल कॉलोनी जो प्राइड इंडिया कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, उसमें गैर कानूनी तरीके से घर बनाने पर जीएचएमसी की टीम ने आज उसे तोड़ा। अलनूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलालाबाद कस पर अलनूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेज दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 9700785। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 9063570926।